नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्पोर्ट्स चैनल पर। आज मैं आपको 7 रुपये का ODI की टीम दूंगा, जो डोमेस्टिक ODI चल रही है दोनों के बीच में, 7 रुपये का के और डोमेस्टिक ODI चल रही है। कैप कोबरा वर्सेस टाइटंस की मैच कैपटाउन के न्यूलैंड स्टेडियम होने वाला है, जो फास्ट बॉलर को काफ़ी अच्छा मदद करती है। और दोस्तों काफ़ी अच्छे चेंजेस भी हुए हैं, मेन प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर आए हैं स्क्वाड में, डायरेक्ट प्ले 11 में, और बहुत बड़े बड़े प्लेयर भी स्क्वाड से बाहर हुए हैं। चलिए सब जो आए हैं और जो गए हैं उनकी बता देता हूँ, कौन स्क्वाड में आए हैं। सबसे पहले डिको तो खेलेगा नहीं, इनको मत पिक कीजिएगा। यहाँ से हसीम अमला स्क्वाड में ऐड किएगा, डायरेक्ट प्ले 11 में आएंगे। मरकरम स्क्वाड में ऐड किया गया, डायरेक्ट प्ले 11 में आएंगे। एंड यहाँ से हमजा को स्क्वाड से ड्रॉप किया गया, तो वो नहीं खेलेंगे, नहीं हैंडी डेविस खेलेगा। ये जो मेन में प्लेयर थे ऐड हुए, और जो नहीं खेले वो मेन में प्लेयर बता दिया। ऑलराउंडर बताए थे JP डुमनी, स्क्वाड में ऐड हुए, डायरेक्ट प्ले 11 में आएंगे और कैप्टन अपनी टीम की ओर से कैप्टनसी भी करेंगे। एंड वन ऑफ लेन तो खेलेगा नहीं, उनको मत पिक नहीं करना है। और रोरी क्लीमेंट भी स्क्वाड में ऐड हो चुका है डायरेक्ट प्ले 11 में, और ये भी प्ले 11 में, इनको भी मत पिक, इनको पिक कर सकते हैं, ये भी खेलेंगे जरूर। और सबसे बड़ी न्यूज़ एक और है, जेसन स्मिथ स्क्वाड से बाहर हो चुका है, वो नहीं खेलेंगे, इनको मत पिक किया दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करें बॉलिंग सेशन किन प्लेयर को खेला। यहाँ से डेल संत नहीं खेलेगा, नहीं सबे शमसी, हाँ लुंगी निगड़ी स्क्वाड से बाहर है, नहीं खेलेंगे, मत पिक कीजिएगा। एंड बाकी और कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा विकेट के सेक्शन में, तो हैनी क्लासन काइल में से दो ही ऑप्शन है। काइल 5 में बैटिंग करना है, अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, 50+ रन भाई हमारा। एंड हैनी क्लासन जो 6 में बैटिंग करना है, ग्रेल नहीं मिल सकते, लेकिन स्मॉलिंग काइल ही अच्छे ऑप्शन रहेंगे, तो इन्हीं के साथ जा रहा हूँ दोस्तों। बैटिंग बात करो बैटिंग में, अब हासिम आमला या JP डुमनी किसी एक को ले सकते हैं, क्योंकि दोनों क्रेडिट सेम है और दोनों को आप नहीं ले पाएंगे, तो हासिम आमला ओपनिंग करेंगे अपनी टीम की ओर से, लेकिन परफॉर्म अच्छे फॉर्म में नहीं है। और JP डुमनी बॉलिंग भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग करते हैं, और आप बैटिंग करना आएंगे ही मिडल ऑर्डर में, 3-4 या 5 बैटिंग करना जरूर आएंगे, तो आप लेना चाह ले सकते हैं। मैं इन्हीं को लूँगा बॉलिंग, ऑलराउंडर में इन्हीं को लूँगा। और यहाँ से फाफ डुबे से खेलेगा, तो इनको मैं पिक कीजिएगा। डीन एलगर पिछले मैच 4 नंबर बैटिंग किया, काफ़ी रन मारा, 50 शतक मारा ने, 137 रन की पारी खेली पिछले मैच में, तो आप इनको लेना है, 4 नंबर बैटिंग करना है। एडम मकरम अपनी टीम की ओर से ओपनिंग करेंगे, तो मैं इनके लूँगा प्लेइंग मलन, डायरेक्ट प्लेइंग मलन में। अब पीटर मलन और जे मलन, तो अगर देखिए हासिम मामला आ चुके हैं, तो जे मलन ओपनिंग तो नहीं करेंगे, पीटर मलन कर सकते हैं, तो मैं पीटर मलन साथ जा रहा हूँ, जो ओपनिंग करेंगे, काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी है, जे मलन भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में, लेना चले सकते हैं। हिंदुकुंग ले सकते, जो आते हैं पिछले मैच 0/8 हो चुके थे, 5 नंबर बैटिंग करना है, लेकिन पिछले मैच 0/8 हो चुके थे, बाकी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है पिछले मैच में, आप देख सकते हैं, लेना चले सकते, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। यहाँ से बराहदीन 7 पे बैटिंग करने आएंगे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अगर इनके बॉलर पिट जाए तो तब ये पार्ट टाइम बॉलर बॉलिंग कर सकते हैं। अब ब्रायन अपनी टीम की ओर से 3 नंबर बैटिंग करने आएगा, हमजा तो खेलेगा नहीं, को मत पिक करना। एंड जॉर्जी अपनी टीम की ओर से ओपनिंग करेंगे, तो इनको लेना बनता है, पिछले मैच में अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए थे, लेकिन प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, 7 शतक मार चुके हैं, देख सकते हैं पॉइंट बताता है। और ना हैंडी डेविस खेलेगा, ना ही नीचे कोई खेलेगा, कहीं क्यों मत लीजिएगा, ये इनको ट्राई करना चाहते हो और रियल में ट्राई कर सकते हैं, तो ये मेरे रहेंगे। और जॉर्जी लिंगा में एंड यहाँ से पीटर मलन को, एडम मकर डिनर को ले रहा हूँ बैटिंग में, ऑप्शन बता दूँ, आप हमला को ले सकते हैं, एंड मलन को ले सकते हैं, हिनुकुंग को ले सकते हैं, फरादीन को ले सकते हैं, ब्रायन को ले सकते हैं, बाकी और किन्हीं को मत पिक कीजिएगा। आप देखिए ना ही बेंडिंग खेलेंगे, ना ही बेंडियर खेलेंगे, क्योंकि मेन में प्लेयर आ चुके हैं और स्क्वाड में वही प्लेंग खेलेंगे। ऑलराउंडर बात करें, ऑलराउंडर में JP को इनको फॉर्म लेना बनता ही है, ना फ्लेंडर नहीं खेलेंगे, मत पीजिएगा। क्रिस मॉरिस पिछले मैच से बॉलिंग भी किया, बॉलिंग करता ही है, और
और बैटिंग में 50+ रन मारा, लेना चले सकते हैं। यहाँ जॉर्ज लिंडे, मैं इनको लेना चाहूँगा, बॉलिंग बैटिंग दोनों से कमाल करेंगे। जॉर्ज लिंडे ने पहले 3 विकेट भी लिया और 50+ रन भी मारा, 4 नंबर बैटिंग करने आ रहे हैं, आप लेना चले सकते हैं। आप रोनी को लेना चाह ले सकते हैं, खेलेंगे जो कन्फर्म खेलेंगे, नहीं नीचे से कोई नहीं खेलेगा यहाँ से, तो किन्हीं को मत पीजिए दोस्तों, तब किन्हीं को मत पीजिए, नहीं थॉमसन भी नहीं खेलेगा तो यहाँ किसी को मत पीजिए दोस्तों। बॉलिंग बात है, बॉलिंग में डैन पिट कैप्टनसी कर रहे थे, लेकिन जेपी डुबनी के आने के बाद ये कैप्टनसी हट गए हैं, और लेकिन एज ए प्लेयर खेलेंगे। डेथ तो पावर प्लेयर दोनों बॉलिंग करते हैं और बैटिंग भी कभी अच्छा 8-9 बैटिंग करने आते हैं, कभी अच्छे कर लेते हैं। डैन पीटरसन विकेट टेकर सॉरी बॉलर है, मैं इनके साथ जा रहा हूँ, ना ही डैन सन खेलेगा, ना ही सेमसी खेलेगा, ना ही लुंगडी खेलेगा। यहाँ से जूनियर डाला, जूनियर डाला ऐसे प्लेयर है लेकिन फॉर्म अच्छा नहीं है, लेना चले सकते हैं, ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग लेना नहीं, मत लेना भाई। विलियम्स लेके नहीं खेलेगा, नए एडम खेलेगा, नए नाबे खेलेगा, नए सन वन वर्क खेलेगा, नहीं मथुआ खेलेगा। अब बच्चे यहाँ मोरक्की खेलेंगे जरूर खेलेंगे, क्योंकि यहाँ से लुंगी नहीं है तो मोरक्की खेलेंगे, इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। अब यहाँ से जॉर्जी और यहाँ मैंने कोई एक खेलेगा तो यहाँ रिस्की है, बाकी ये नहीं खेलेगा तो गिनू मत पी के दोस्तों। आप बुकाको को ले सकते हैं, लेना चले सकते, बुकाको खेलेंगे कन्फर्म खेल सकते हैं। अब यहाँ मैंने कहा इनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिए, इनको मत पी जाइए दोस्तों। तो ये टीम है, प्रीव्यू देख लीजिए दोस्तों, काइल है, पीटर मलन है, डिनरगर है, मकरम है, टिंडोर्जी है, डूबी ड्यूनी है, लिंडे है, किसमोरिस है, डेनपिट है, पीटरसन है, मोरक्की है, ये टीम मेरी टीम है दोस्तों। कैप्टन बताया था, कैप्टन में ऑप्शन में है जॉर्ज लिंडे एंड डुमनी, तो यहाँ कैप्टन में बनाऊंगा जॉर्ज लिंडे को कैप्टन बना रहा हूँ, एंड वाइस कैप्टन में बना रहा हूँ क्रिसमो, यहाँ डुमनी को बनाने मन कर रहा है, लेकिन डुमनी को बनाया था, आप मोरिस को बना सकते हैं, या आप बैट्समैन बनाना चाहते हो टाइटन्स की ओर से मार्को बना सकते हैं, डीनर को बना सकते हैं, अच्छे ऑप्शन में किन को बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं डुमनी से जा रहा हूँ, ये मेरी टीम दोस्तों। एक और बात, ड्रीम इलेवन में जो आपको पता ही प्लेन में मिल जाएगा, लेकिन ये 7 रुपये के डोमेस्टिक मैचेस है, इनकी चांसेस बहुत कम है प्लेन इलेवन, इसलिए आप प्ले स्पॉट खेलिए। चलिए बात कर लेते हैं प्ले स्पॉट टीम की दोस्तों जिसने प्ले स्पॉट खेलना स्टार्ट नहीं किया खेल सकता काफ़ी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है यहाँ 100% बोनस यूजिबल है, अगर आप कोई भी लीग ज्वाइन कीजिएगा अगर पास बोनस है तो बोनस ही पैसे कटते हैं, कोई भी लीग ज्वाइन कीजिए बोनस ही पैसे कटेंगे। एक और बात दोस्तों, यहाँ पेटीएम विड्रॉ विद इन 5 सेकेंड के अंदर विड्रॉ हो जाता है दोस्तों, अब नहीं बैंक अकाउंट का झंझट है, नहीं पैन कार्ड का वेरीफिकेशन का झंझट है, आप बैंक अकाउंट विड्रॉ चाहते हो उसको आपको वेरीफाई कराना होगा, मैंने वेरीफिकेशन कराना होगा वेरीफिकेशन, उसमें विड्रॉ हो जाएगा, दोनों विड्रॉ सिस्टम है। और एक और बात, यहाँ कंपटीशन काफ़ी लो, इसलिए विनिंग चांस ज़्यादा हाई है, तो आप खेलना चाहिए खेल सकते, काफ़ी अच्छा ऐप है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ ज्वाइन करना ना भूलें, अगर किसी का रेफरल कोड यूज़ करके आप इसमें रजिस्टर कीजिएगा ना तो आपको 100 रुपीज़ बोनस मिलेगा दोस्तों, 100 रुपीज़ फ्री मिल रहा है, अगर आपका लक अच्छा रहा तो 100 से 1000 बना सकते हैं और 1000 से 1,00,000 भी बना सकते हैं, तो अगर लक अच्छा रहा तो 100% बोनस यूजिबल है, हर एक लीग में यूजिबल है, एक और ऐप है जो लीग अड्डा, जिससे लीग अड्डा 100% यूजिबल देता है, लेकिन वो ग्रैंड लीग में ही यूजिबल करने देता है, यूज़ करने देता है बोनस, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें आप प्ले स्पॉट में हर एक किसी में भी कोई भी लीग में स्मॉल लीग ग्रैंड लीग किसी में यूज़ कर सकते हैं, अपने आप होता है। चलिए टीम के बारे में बात कर लेते हैं, कैपर टाइटन्स की विकेट में क्लासिन है, काइल है, आडिको को तो नहीं खेला, इन्होंने रहना, तो मैं यहाँ जा रहा हूँ काइल के साथ, ऑलराउंडर में जाऊँगा क्रिस मोरी के साथ जाऊँगा, एंड जॉर्ज लिंडे के साथ जाऊँगा, एंड यहाँ से जाऊँगा जेपी डुमनी के साथ जाऊँगा। बैटिंग बात करें, बैटिंग मकरम के साथ जाऊँगा, डीन एल्गर के साथ जाऊँगा, एंड यहाँ से मैं जाऊँगा पीटर मलंग के साथ जाऊँगा, एंड यहाँ से जॉर्जी के साथ जाऊँगा। तो ये रहेंगे, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, आपको ऑप्शन में है हाशिम अमला है, हिनुकू है, एंड जाने मन मलन है, एंड ब्रायन है, हमजा तो नहीं खेलेंगे, मत पिकिए दोस्तों, आपको बता चुका कौन कौन पहले खेलेंगे, कौन कौन खेलेंगे, कौन कौन नहीं खेलेंगे आपको बता चुका हूँ। बॉलिंग बात कर, बॉलिंग में नए डेलिसन खेलेगा, मैं डेल पीटरसन के साथ जाऊँगा, डैन पिट के साथ जाऊँगा,
बच्चे 90 क्रेडिट में आप जूनियर डाल ले सकते, लेना चाहिए फॉर्म अच्छा नहीं है, लुंगड़ी नहीं खेलेगा, जूनियर डाल खेलेगा नहीं मत खेलेगा, जूनियर डाल खेलेगा लेकिन फॉर्म अच्छा नहीं है, लेना चाहिए आप ले सकते हैं, लुंगी लिंगड़ी खेलेगा नहीं उनको मत पिक कीजिएगा, नहीं शमसी खेलेगा, आप यहाँ से मोरक्के खेल सकते हैं, लेना चाहिए मोरक्के को ले सकते हैं। एंड अब यहाँ डैन पीटरसन, डैन पीट के लिए ऑप्शन में बचे हैं, आप बोकाको को लेना चाहे बोकाको ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा टीम अनबैलेंस हो जाएगी, मैं मोरक्के से जा रहा हूँ जो कंफर्म खेलेंगे। आप देख लीजिए दोस्तों, आप अभी क्रेडिट बच गए, हाँ 10 क्रेडिट बच गए हैं, आप एक्स्ट्रा प्लेयर को लेना चाहिए, रोरी को लेना चाहे ले सकते हैं, एंड यहाँ से गिन को ले सकते हैं, जेसन स्मिथ तो खेलेगा नहीं मत कीजिएगा, वरना फ्रेंडा भी नहीं खेलेगा, लेना नहीं खेलेगा नहीं मत लीजिएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से क्लासिन को ले सकते हैं, क्रेडिट मैनेज हो जाएगी आपको। आप बैटिंग में कुछ चेंज करना चाहिए, जैसे यहाँ से आप आराम से पीटर मलन को नहीं लेना चाहते, आप जाने मन मरन को लेना चाहते, जाने मन मरन को ले सकते हैं, एंड आप ब्रायन को ले सकते हैं, आराम से ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। हाशिम अमला को ले, देखो हाशिम अमला को ले पाता होगा नहीं, तो हाशिम अमला नहीं ले पाए, ज़्यादा क्रेडिट मैनेज करनी पड़ेगी। फिलहाल मैं जाने मन मरन से जा रहा हूँ, ये मैंने सेव किया, कैप्टन मेरे रहेंगे कहाँ गए, जॉर्ज लिंड, वाइस कैप्टन रहेंगे मेरे किधर किधर गए मेरे डीन सॉरी जेपी डुमिनी, ये मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे दोस्तों, ये मैं सेव कर लिया, आपके सामने गया पब्लिक पोर्ट में गया, आपके सामने पब्लिक पोर्ट ज्वाइन भी कर लेता हूँ, मुझे क्यों ज़्यादा तो मैं पब्लिक पोर्ट ही खेलता, क्योंकि विनिंग ज़्यादा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी कम है इसमें और विनिंग ज़्यादा होती है, ज्वाइन भी कर लिया दोस्तों। जैसे वीडियो पसंद है लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। और आप प्ले स्पॉट खेलना चाहते हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक दे दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन करना ना भूलें, और मैं ऐसे में रेफरल कोड है कूल 1776, विदाउट रेफरल कोड अगर रजिस्टर कीजिए तो बोनस नहीं मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।